जंगल और बागों के लिए पहचाने जाने वाला चंद्रपुर शहर अब ऑनलाइन लॉटरी के लिए प्रसिद्ध होते दिखाई दे रहा है। शहर में शराबबंदी हटने के बाद अवैध शराब की दुकानें बंद हो गई हैं, तो वहीं वहां अवैध ऑनलाइन लॉटरी, मुर्गा बाजार, जुआ अड्डा चलने की बात सामने आ रही है। 2017 के बाद देश में GST लागू होने के बाद कई व्यवसायों में बदलाव देखे गए, जिसमें सबसे ज्यादा असर ऑनलाइन लॉटरी पर हुआ। ऑनलाइन लॉटरी में 28% GST लागू होने के बाद ऑनलाइन लॉटरी के धंधे में काफी गिरावट आई है। साल भर में ही ऑनलाइन लॉटरी का धंधा ठप हो गया, इसके चलते कई लोग बेरोजगार भी हुए। चंद्रपुर शहर में पिछले कुछ दिनों से अवैध तरीके से ऑनलाइन लॉटरी चंद्रपुर के कुछ माफियाओं द्वारा चलाई जा रही है, इसके चलते देश के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। शहर के भीवापुर, राजकला टॉकी चौक, जटपुरा गेट जैसे रिहायशी इलाकों में खुलेआम यह अवैध व्यवसाय चल रहा है। चौंका देने वाली बात तो यह है कि पुलिस और स्थानीय प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। कुछ दिन पहले शहर में शराबबंदी हटाने से ढेरों शराब के अवैध धंधे में कमी आ गई। अवैध ऑनलाइन लॉटरी चलाने वाला गिरोह शहर भर में सक्रिय नजर आ रहा है। सूत्रों के अनुसार इस गिरोह को चलाने वाले ने सिर्फ लॉटरी ही नहीं बल्कि जुआ अड्डा, मुर्गा बाजार जैसे कामों में लिप्त होने की जानकारी मिली है, जिससे पूरे चंद्रपुर में अवैध धंधे चलते दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में हमने शहर सिटी पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक अंबारे जी से बात करने पर उन्होंने अवैध लॉटरी के बारे में जानकारी नहीं होने का हवाला दिया। वहीं संबंधित जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाने की बात कही। टैक्स चोरी रोकने और व्यापारियों को करों की दोहरी मार से बचाने के लिए GST लाया गया। एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा पर काम करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद लगभग 500 टैक्सों को खत्म कर सिर्फ एक टैक्स GST को लाया गया, इसलिए इसे आजादी के बाद का भारत का सबसे बड़ा टैक्स सुधार कहा गया है। तो वहीं चंद्रपुर में चल रहे इस अवैध लॉटरी सेंटर की वजह से राज्य शासन की तिजोरी को कई अवैध धंधे वाले चूना लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं है या ये जानते हुए भी इस ओर अनदेखा किया जा रहा है, ये सवाल सामने आ रहा है।